morning and Jai Hind students, as revising chapter 2, today we will discuss about the caste as a system of stratification. कि caste किस तरीके से stratification के system में work करता है, किस तरीके से society में लोगों को divide करता है caste, है ना? Caste refers to inequality in terms of honor prestige, कि किस तरीके से caste system जो है honor और prestige को लेकर लोगों में inequalities लाता है ना? लोगों में ये division लाता है कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है according to the caste, है ना? Caste are ascriptive groups, members to which is determined by birth. Caste एक ascriptive group होते हैं, यानी कि जन्म से ही निर्धारित हो जाता है कि कौन किस caste का member है. जब बच्चा जन्म लेता है तभी वो किसी particular caste का member बन जाता है, ठीक है? उसके लिए उसे कोई effort नहीं करना पड़ता, ये उसको by birth मिल जाता है, ठीक है ना? Each caste is ranked as higher or lower as compared to the other in the social hierarchy. और every caste की अपनी एक rank होती है, यानी कि जो caste system है उसके according कुछ caste higher होती है, कुछ lower होती है ना? और वो depend करता है उनके कि social stratification में उनको वो कहाँ stand करती है. जैसे कि ब्राह्मण्स हायर कास्ट में आते हैं और दलित लोअर कास्ट में आते हैं, ठीक है ना? इट इज एन इंस्टीट्यूशनल करेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदू सोसाइटी, है ना? बट इट हैज स्प्रेड टू अदर नॉन हिंदू कम्युनिटीज टू सच एज द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिक्स. जो कास्ट सिस्टम है ये विशेषता है हिंदू सोसाइटी की, एक करेक्टरिस्टिक है हिंदू सोसाइटी की, है ना? और लेकिन धीरे धीरे ये नॉन हिंदू लोगों में भी हम कह सकते हैं कि पाई जाती है, जैसे कि जो कि इंडियन सोसाइटी के कह सकते हैं कि संपर्क में आए, है ना? जैसे कि मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स में भी शियार सुन्नीज होते हैं, क्रिश्चियंस में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स होते हैं, और सिख्स में भी अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं ना? और although it was very important in traditional India, it holds its way in modern India too, in political as well as social life. हम कह सकते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी जो कि ये कास्ट सिस्टम है, ये एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक इसको हम बोल सकते हैं, है ना? कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये काफी इम्पोर्टेंट थी जो पहले, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में भी हम ये नहीं कह सकते कास्टिज्म नहीं पाया जाता. कास्टिज्म है, जो हमारी पॉलिटिक्स होती है वो कास्ट बेस्ड ही होती है मोस्टली, है ना? कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स तो कास्ट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है कास्ट बेस्ड ही बने हुए हैं. और हमारी जो सोशल लाइफ है, जैसे कि इंडोगैमी जो हमारी मैरिजेज है वो अभी भी चल रही हैं, जो कि है कि अपनी ही कास्ट में मैरिज करना है ना? नाउ द ओरिजिन ऑफ कास्ट इन वर्णा स्कीम, कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे कास्ट सिस्टम आया सोसाइटी में. देयर आर नो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू शो द एक्जैक्ट एज ऑफ कास्ट सिस्टम. द कास्ट सिस्टम स्टूड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ऐसे कोई ऑथेंटिक हिस्टोरिकल हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि पता चल सके कि कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में कब से है, है ना? लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर पीरियड में सोसाइटी के पाया गया है, ठीक है? इनफैक्ट इट इज बिलीव्ड दैट द कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड इन द वर्णा सिस्टम ऑफ द ऋग वैदिक सोसाइटी. और ये माना जाता है कि कास्ट सिस्टम का जो शुरू हुआ वो जो ऋग वेद में वर्णा सिस्टम है वहां से शुरू हुआ, ठीक है? In its earliest phase, the late Vedic period between 900 to 500 BC, the caste system was actually the Varna system. हम कह सकते हैं कि जो वैदिक सोसाइटी है उसमें कास्ट सिस्टम को वैदिक सिस्टम सॉरी वर्णा सिस्टम के नाम से जाना जाता था, है ना? और वॉट इज वर्णा सिस्टम? वर्णा लिटरली मीन्स कलर. वर्णा का मीन्स होता है कलर के अकॉर्डिंग. प्रत्येक हम कह सकते हैं हर वर्ण के अपना एक पर्टिकुलर कलर होता था. जैसे कि जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए व्हाइट कलर, जो
क्षत्रिय थे, रेड कलर, और जो वैश्य थे उनके लिए येलो कलर, और जो शूद्र थे उनके लिए ब्लैक कलर। यानी कि ये कलर वाइज होते थे कि ब्राह्मण्स व्हाइट कलर के होते थे, जो क्षत्रिय होते थे वो रक्त वर्ण के होते थे, जो वैश्य थे वो पीत वर्ण के, और जो जो शूद्र होते थे वो काले होते थे, ब्लैक होते थे। ठीक है ना। द वर्णा सिस्टम डिवाइडेड द हिंदू सोसाइटी इनटू फोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कलर। और ये कलर के बेस पे तो डिवाइडेड थे ही, साथ साथ ऑक्यूपेशन के बेस पे भी डिवाइडेड थे, है ना। फोर ब्राह्मण्स प्रिस्ट, फोर क्षत्रियाज वॉरियर्स और किंग्स, फोर वैश्यास ट्रेडर्स, एंड फोर शूद्रास सर्विस कास्ट लाइक आर्टिशियन पीजेंट्स, है ना। लेकिन जो ये वर्णा सिस्टम है इसका क्या माना जाता है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर था उस टाइम पे, लेबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था सोसाइटी को। जो ब्राह्मण थे उनका क्या काम था, वो क्या करेंगे, वो लोगों को शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, उनके जो जितने भी रिचुअल्स से रिलेटेड धार्मिक कार्य हैं, अनुष्ठान है, वो कराएंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे, क्षत्रिय जो कंट्री है उसकी रक्षा करेंगे, उसके लोग है ना रूल करेंगे, और जो वैश्याज लोग हैं वो एग्रीकल्चर का काम करेंगे या जो ट्रेड का से रिलेटेड वर्क है वो करेंगे, और जो शूद्रास हैं वो जो जैसे कि पीस एंड जो इन लोगों की हेल्प करेंगे। ये था कि ये इन लोगों की हेल्प करेंगे, आर्टिशियंस थे या जो इन लोगों की जो सेवा करते थे वो लोग होते थे, शूद्रास होते थे उस टाइम पे। ठीक है। द सो कॉल्ड अनटचेबल्स और द पंचमास, द फिफ्थ कैटेगरी, वर आउटसाइड द वर्णा स्कीम। और जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कि आउटसाइडर्स थे, जो बाहर से आते थे, फॉरनर्स होते थे, उनको पंचमास की कैटेगरी में रखा जाता था, वो इन फोर वर्णास की कैटेगरी में नहीं आते थे। उनके लिए एक अलग कैटेगरी थी जिसको पंचमास बोला जाता था। ठीक है। Initially, these divisions were not very rigid. They represented mere occupational division. और शुरुआत में जो ये division था लोगों के बीच, वो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि rude नहीं था, है ना, rigid नहीं था वो बहुत ज्यादा। वो division किस पे related था, occupational division था वो, है ना, कि आपको ये work करना है, आपको ये work करना है, आपको, है ना, division of labor था। ठीक है। Therefore, mobility across categories was possible. तो हम कह सकते हैं कि mobility यानी कि एक category से दूसरी category में जाना लोगों के लिए possible था, है ना। For example, विश्वामित्रा और क्षत्रिया बिकम अ ब्राह्मण, दो अचीवमेंट्स। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल यह है कि जो विश्वामित्र, आपने नाम सुना होगा, है ना, जो विश्वामित्र जो मुनि थे वो पहले क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अचीवमेंट्स किए जिनसे उनको ब्राह्मण के तौर पे जाना जाने लगा, मुनि के तौर पे जाना जाने लगा, है ना। क्योंकि हम लोग तो विश्वामित्र को किस एज इट इज जानते हैं कि वो एक ब्राह्मण मुनि थे, है ना, लेकिन थे वो क्षत्रिय। ठीक है। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड बाय हिस्टोरियंस दैट द वर्णा सिस्टम इनिशियली रिप्रेजेंटेड द डिवीजन बिटवीन द आर्यन एंड द द्रविडियन। और जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये भी मानते हैं कि जो वर्णा सिस्टम है वो इनिशियली था, पहले जो शुरुआती तौर था वर्णा सिस्टम का, वो आर्यंस और द्रविडियंस के बीच डिफरेंस रखने के लिए था, है ना, डिवीजन था आर्यंस और द्रविडियंस के बीच। ठीक है। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, अब पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस आए वर्णा सिस्टम में, द नंबर ऑफ सब डिवीजन विद इन ईच वर्णा इंक्रीज ड्यू टू द ग्रोथ इन ट्रेड एंड इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। इन स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और ड्यू टू ग्रोथ इन ट्रेड, इनको लेकर क्या हुआ है कि जो वर्णा सिस्टम था उसमें और सब डिवीजन बनने लगे, है ना। कॉन्सिक्वेंटली न्यू ग्रुप्स इमर्ज्ड विद इन द वर्णा स्कीम, वर्णा स्कीम में नए ग्रुप्स बनने लगे, है ना, जैसे जिन्हें हम सब कास्ट भी कह सकते हैं, है ना।
caste become rigid. For example, it came to be defined on birth. और जो ये कास्ट सिस्टम था और भी ज्यादा रिजिड होने लगा और ये डिटरमाइन होने लगा किससे, बर्थ से, है ना, कि जो जिस जिसने बर्थ लिया है वो उसी कास्ट का मेंबर बन गया. ईच वर्णा वॉज रैंक्ड हायरार्की विद स्ट्रिक्ट रूल्स गवर्निंग दियर लाइफ एंड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट. और हम कह सकते हैं कि जो वर्ण सिस्टम था वो हायरार्की रैंक्ड हो गया, यानी कि ये जो ब्राह्मण्स हैं वो टॉप क्लास हैं, वो हायर क्लास हैं, उसके बाद शूद्र जो हैं वो जो उसमें सबसे लो कास्ट में आते हैं, है ना, ऐसे हो गया. और जो रूल्स थे कास्ट सिस्टम के वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, जो कि लोगों को फॉलो करने पड़ते थे. दूसरी कास्ट के साथ रिलेशन बनाने के में वो फॉलो करने पड़ते थे, जैसे कि उसमें था कि उनको एक रूल ये था कि किस कास्ट के साथ आप खाना खा सकते हैं, फूड हैबिट्स रख सकते हैं, किनके साथ नहीं रख सकते, मैरिज कहाँ की जा सकती है, कहाँ नहीं की जा सकती. तो इस तरीके के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे जो उन पोस्ट वैदिक पीरियड में फॉलो किए जाते थे कास्ट में, है ना. द फर्स्ट थ्री वर्नास बिकम द ट्वाइस बोर्न कास्ट. जो फर्स्ट थ्री वर्नास थे वो ट्वाइस बोर्न कास्ट कहे जाने लगे इन पोस्ट वैदिक पीरियड, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, है ना, वो ट्वाइस यानी कि द्विज, है ना, द्विज कहा जाने लगा उन्हें. द रिजिड एंड हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी गॉट रिलीजियस जस्टिफिकेशन थ्रू द एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट लाइक धर्म शास्त्र एज वेल एज मनुस्मृति. और जो ये कास्ट सिस्टम था जो इन पोस्ट वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा कठोर होता जा रहा था, उसको ये जो रिलीजियस बुक्स थी धर्मशास्त्र और मनुस्मृति, इससे और भी ज़्यादा जस्टिफिकेशन मिल गई. ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स ने बताया था कि क्या है कि मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो पर्टिकुलर कास्ट है उनसे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जो कि एवरी मेम्बर जो कास्ट का है उसको फॉलो करने हैं, है ना. दीज टेक्स set out caste rules, unequal duties of the four varnas and their subdivisions. और इस ये जो religious book थी, मैंने भी आपको बताया कि कुछ rules set किए हुए थे उन्होंने, कुछ unequal duties कह सकते हैं हम, है ना, जो equal नहीं थी, unequal duties थी, जो कि four जो varnas थे उनके members और उसके जो subdivision थे उनको क्या करनी थी, follow करनी थी. In fact, the religious notions of karma and dharma strengthened the caste system. और ये जो रिलीजन में हमारे जो रिलीजन में जो कर्म का सिद्धांत और धर्म का सिद्धांत है, इसने भी जो कास्ट सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ दी. क्यों दी? क्योंकि जो कर्म है कि आपको यही कर्म करने हैं, आपको यही कर्म करने के लिए बनाया गया है, तो आप अपने कर्म करते रहिए. और धर्म जो ये कास्ट कह सकते हैं, जो लोअर कास्ट थी जिनको कहा गया था कि आप इन जो थ्री कास्ट जो कि ट्वाइस जिनको कहा गया था कि ट्वाइस बर्थ कास्ट हैं, उनको उनकी सेवा करना आपका धर्म है. तो ये कर्म और धर्म के जो सिद्धांत था, इससे कास्ट सिस्टम को और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि शक्ति मिली, स्ट्रेंथ मिली, ठीक है ना. Now the ideas of purity and pollution. In traditional India, the caste hierarchy was based on the ideas of purity and pollution. Traditional India जो कास्ट थी वो किस पे डिपेंड थी, उसका जो अपर लो का जो एक सिस्टम था वो किस पे डिपेंड था, वो डिपेंड था प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे, है ना, राइट फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट. और जो कि कहाँ से लिया गया था, जो रिलीजियस टेक्स्ट है जैसे कि अभी बताया ऊपर धर्मशास्त्र में मनुष्य स्मृति, उसमें दिया हुआ था प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था. उसी के बेस्ड पे जो ट्रेडिशनल इंडिया था उसमें जो ये कास्ट सिस्टम का था वो उसी पे बेस्ड था, ठीक है. It was believed that the most pure Brahmins are close to sacred and therefore the superiors to all others. और इसमें जो ब्राह्मण थे उनको सबसे ज्यादा सुपीरियर कहा गया था कि वो मोस्ट प्योर है, सबसे ज्यादा प्योरिटी है, प्योरिटी का जो है वो ब्राह्मण कास्ट के अंदर है और वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है इन ऑल फोर कास्ट, है ना. द अनटचेबल्स आर द मोस्ट पॉल्यूटिंग एंड देयरफॉर द मोस्ट इन्फीरियर. और जो अनटचेबल्स थे वो मोस्ट पोल्यूटिंग थे, यानी कि जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें सबसे ज्यादा प्योर कौन थे, दे आर ब्राह्मण, और सबसे ज्यादा पोल्यूटेड किनको माना जाता था, अनटचेबल्स को, है ना.
इसीलिए उनको सबसे ज्यादा इन्फीरियर रखा जाता था, है ना। इवन द मेयर टच ऑफ ब्राह्मण वॉज कंसिडर्ड टू बी प्योर वाइल एवरीथिंग रिलेटेड टू द सो कॉल्ड अनटचेबल टच शेडो एंड ऑक्यूपेशन वॉज इम्प्योर। और जो ब्राह्मण का जो टच था या फिर हर चीज में जो ब्राह्मण की एंट्री थी वो बहुत ज्यादा क्या मानी जाती थी, अच्छी मानी जाती थी, प्योर मानी जाती थी। कहते हैं ना कोई भी वर्क करने से पहले ब्राह्मण को ये दक्षिणा देनी चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। एक कोई भी फेस्टिवल होता है उसके उसमें एक कहते हैं कि ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, है ना। तो ब्राह्मण की एंट्री कहीं पर भी कैसी मानी जाती थी, प्योर मानी जाती थी, अच्छी मानी जाती थी। लेकिन जो अनटचेबल था उनको टच करना या उनकी शेडो भी अगर किसी पर पड़ जाती थी तो वो इम्प्योर माना जाता था, उनके ऑक्यूपेशन को भी इम्प्योर। यहां तक कि इतना था कि अगर उनकी शेडो भी किसी पर पड़ गई तो एक रिचुअल की जाती थी, शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती थी, उसके बाद ये माना जाता था कि अब आप शुद्ध हो गए, ठीक है। Now the features of caste. It is important to note that the above mentioned features are only the prescribed rules found in ancient texts. We have no firm evidence telling us the way these rules actually or empirically determine the life of different castes. हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए ये ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है, कहीं पर रूल मेंशन नहीं लिखे हुए देखे हैं कि जो कास्ट सिस्टम में जो को जो फॉलो किए जाते हैं रूल्स वो कहीं पर लिखे हुए हैं। ये केवल ये कहा गया है कि ये कहाँ पे ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब है, जो एंशिएंट बुक्स हैं, जो हमारे ये धर्मशास्त्र और मनुस्मृति है इसमें लिखे हुए हैं, है ना। वी हैव नो, ये हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं है जो शो कर सके कि कास्ट सिस्टम में ये रूल्स लिखे हुए हैं, ये फॉलो करने हैं लोगों को, है ना। ये इम्पेरिकली लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, है ना, ठीक है। कास्ट इज एस्क्राइब्ड, कौन कौन से फीचर्स है। फर्स्ट इज कास्ट इज एस्क्राइब्ड, यानी कि डिटरमाइंड हो जाता है बाय बर्थ, कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ठीक है। A person is born into the caste of one's parents. Caste is not a matter of choice. One cannot change one's caste or leave it. एक व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लेता है वो बाय बर्थ उस कास्ट का मेंबर बन जाता है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इसको चॉइस नहीं कर सकते आप, नहीं आप अपने आप चॉइस कर सकते कि आपको किस कास्ट में जन्म लेना है, ना। वन कैन चेंज वंस कास्ट और लीव इट, कोई भी व्यक्ति अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता ना ही उसे छोड़ सकता है, ना। कास्ट एक कह सकते हैं बंद एक ग्रुप है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। थर्ड इज कास्ट इज एंडोगेमियस, फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कास्ट इज एंडोगेमियस का इट मीन्स कि आप अदर कास्ट के व्यक्ति के साथ मैरिज नहीं कर सकते, कास्ट अपनी ही कास्ट के में मैरिज करनी होगी, है ना। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, कास्ट मेंबरशिप इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। व्हाट काइंड ऑफ फूड मे और मे नॉट बी ईटन इज प्रिस्क्राइब्ड एंड हुम वन मे शेयर फूड विद इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड। कास्ट सिस्टम में फूड को लेकर या फूड शेयरिंग को लेकर भी कुछ सिस्टम से कुछ रिस्ट्रिक्शन से जो अपने मेंबर्स पे लगाए हुए थे, जैसे कि किसके साथ आप फूड शेयर कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते, किस कास्ट के साथ कर सकते हैं, किस कास्ट के साथ नहीं कर सकते, या फिर आप कौन सा खाना खा सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण जो थे वो वेजिटेरियन थे, प्योर वेजिटेरियन थे, है ना, वो नॉनवेज नहीं खाते थे। तो कुछ कास्ट के लिए पर्टिकुलरली फूड डिसाइडेड थे कि आप ये खाना खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, किसके साथ आप खाना शेयर कर सकते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस, ऑल कास्ट आर अरेंज इन द हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस, व्हाइल द हायरार्कियल पोजीशन ऑफ मेनी कास्ट मे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। और जो कास्ट थी वो रैंक या स्टेटस के अकॉर्डिंग बटी हुई थी, है ना, कि
अकॉर्डिंग टू द कास्ट व्यक्ति का स्टेटस सेट होता था कि वो क्या स्टेटस है, हाई है या फिर लो है, रैंक सेट होती थी। लेकिन ये इसमें भी क्या है, ये रीजन टू रीजन वेरी करती है, कहीं पर कोई कास्ट डोमिनेंट है, कहीं पर कोई कास्ट डोमिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कास्ट इन्वॉल्व द सब डिवीजन विद इन देमसेल्व्स, दैट इज कास्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव सब कास्ट एंड सब कास्ट मे हैव सब कास्ट। हम कह सकते हैं जो कास्ट सिस्टम है वो एक सब डिवीजन सिस्टम है, उसमें डिवीजन्स पाई जाते हैं। जो ब्राह्मण से उनकी इतनी सारी कास्ट कह सकते हैं कि है ना, ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण है, भारद्वाज ब्राह्मण है, सरयू परायण ब्राह्मण है, तो बहुत सारे ब्राह्मण्स की ही अपनी अलग है। तो कास्ट के भी सब कास्ट है और सब कास्ट की भी सब कास्ट है, बहुत सारी कास्ट है जो इंडिया में पाई जाती है ना। ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन, अ पर्सन बॉर्न इन टू अ कास्ट कुड ओनली प्रैक्टिस द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद द कास्ट। और कास्ट सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ए पर्टिकुलर कास्ट के साथ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है और किसी भी व्यक्ति को वही ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करना है जो कि उसकी कास्ट से रिलेटेड है। लेकिन ये अब नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनली जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक थी कास्ट सिस्टम की वो यही थी। सो ऑक्यूपेशंस वर हेरिडिटरी अंडर कास्ट सिस्टम। तो किसी भी व्यक्ति को वही हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करना होता था जो कि उसके कास्ट सिस्टम से कास्ट के साथ जुड़ा हुआ था और वो जनरेशन जनरेशन आगे चलता रहता था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव रिवाइज टुडे, वी हैव रिवाइज द कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इट्स ओरिजिन एंड इट्स फीचर्स। Okay, so if you have any problem, any query related to the content, you can call me or text me. So today's lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. Jai Hind, bye-bye.